धान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि 280 धान का समर्थन मूल्य बढ़ाएं तब जाकर बात करें। मोदी के कार्यकाल में जिस प्रकार से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बढ़ोतरी हुई है उसमें मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूं। वहीं पहले 1360 रुपये था जो अब बढ़कर 2040 रुपये हुआ है। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार की उनके कार्यकाल में वृद्धि देखी जाए तो कोई 280 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब हुआ धान की कीमत देना है तो 2790 रुपए देना चाहिए। ये उनके कार्यकाल में जिस प्रकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि मुझे ख्याल है 2014 में धान की कीमत 1360 रुपया था और वो 1360 रुपया की मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ते बढ़ते धान का कीमत अब जो हुआ है 2040 रुपया हो गया है। इसका मतलब ये है कि 2014 से जो यात्रा शुरू हुई और इसमें 680 रुपया धान के मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि होती है, 680 रुपया की कीमत में वृद्धि होती है, इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में भी है ईडी की कार्रवाई। और ईडी की कार्रवाई के लिए जब नेशनल हेराल्ड के मामले में सोनिया राहुल गांधी के को नोटिस दिया जाता है, इसका उनको जवाब देना चाहिए। जवाब के बदले में एजेंसी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी को दबाव में लाने की कोशिश होती है और जांच एजेंसी के ऊपर दबाव डाल के प्रदर्शन करके धरना करके लोगों की ताकत दिखा के आप क्या बताना चाहते हो, क्या अपराध छुप जाएगा।